Sí, vengan ahora. గిరిజన సాంప్రదాయకమైన యొక్క మరి వారికి ధరింపజేశారు మానకోట మన మహబూబాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి ఇచ్చేసిన ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన యొక్క ధన్యవాదాలు ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్నుకోవాలి ఎన్నుకోవాలంటే ఇక్కడి నుంచి బీజేపీ ప్రతినిధిగా కామరాపూర్ పైన ఓటేసి చిన్నప్పటి విద్యార్థి నాయకునిగానే పంజేసి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్తులో పంజేసి మరి భారతీయ జనతా పార్టీగా 7 సార్లు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి ప్రజాప్రతినిధి సబ్కో మీరా నమస్కార్ బీజేపీ యొక్క అభ్యర్థి ప్రొఫెసర్ సీతారామ నాయక్ గారు ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమానికి వచ్చిన బీజేపీ యొక్క ముఖ్య నాయకులు సీనియర్ నాయకులు ఇంత ఎన్నో సైతం ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి పాల్గొన్న అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన యొక్క धन्यवाद। मैं उनका संदेश लेके आपके पास आया हूँ। मैं यहाँ के महबूबाबाद में जितना भी आदिवासी है, हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट, यहाँ बैकवर्ड क्लास, बिजनेस कम्युनिटी और विशेष करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए संदेश लेके आया हूँ। आदिवासी है, हमारे यहाँ महिलाएं हैं, युवा है, सबके ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करता हूं कि इस क्षेत्र में महबूबाबाद में बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही मेहनत करने वाला, बहुत अच्छा इंसान प्रोफेसर सीताराम नाइक जी को बीजेपी कैंडिडेट बनाया है। और आज पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी का लहर दौड़ रहा है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की लहर देख रहा हूं। अभी 19 तारीख
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कुछ हिस्से में फर्स्ट फेज पहला चरण इलेक्शन हो गया है। हमारे वहां में कांग्रेस का एक भी एमपी एमएलए सीट मिलने वाला नहीं है, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रहा है। वैसे ही आज मैं तेलंगाना में आया हूं, तो मैं लंबा नहीं करते हुए मैं अपना संदेश देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा आदिवासियों की ओर से, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहला कानून मंत्री बना था हिंदुस्तान का, उसके बाद से लेकर के मेरे समय तक कांग्रेस पार्टी ने किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को इस देश का लॉ मिनिस्टर नहीं बना पाया। पहला लॉ मिनिस्टर मुझे बना करके आदिवासियों को इज्जत दिया है। इसलिए मैं अपने ओर से आपको कहना चाहता हूं, हमारे 70 साल बाद, आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी दिवस 15 नवंबर को आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप से पूरा देश में ट्राइबल्स के लिए, आदिवासी के लिए बहुत बड़ा इज्जत देकर के गौरव दिवस मनाया गया है। आज के दिन में हमारे यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, महबूबाबाद में एक भी महिला का वोट कांग्रेस पार्टी और दूसरा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी जो किया है, इस इलेक्शन के बाद जो अगले इलेक्शन होने